अरे भाई मैंने YouTube पे एक नया चैनल बनाया यार, सर्च रैंकिंग में नहीं आ रहा, क्या करूं भाई, प्लीज बता दे भाई प्लीज। अरे भाई मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं YouTube का मास्टर हूँ क्या भाई? अच्छा ये तो बता दे भाई कि कैसे सर्च रैंकिंग में लाऊं यार, 5 वीडियो डाल दिया भाई, क्या करूं भाई, कुछ तो बता दे भाई। अरे भाई फिर फालतू बात करता है, सुना है ना आजकल हेमंत परियों के बारे में, यूट्यूब के बारे में काफी कुछ बता रहा है, चल ना उसकी वीडियो देख दे, कब काम आएगा, अपना ही तो भाई है ना, डायरेक्ट फोन करने से क्या मतलब है, वीडियो देख लो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, चल सर्च करके देख लेते हैं, आ जा भाई मिलके देखते हैं। अच्छा चल भाई देख लेते हैं। हाय गाइस गुड इवनिंग, मैं हेमंत कुमार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हेमंत फॉर यू में। तो फ्रेंड अगर आप एक यूट्यूबर है, सिंपली यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो आज का वीडियो मैं आप लोगों को डेडिकेट करने वाला हूं फ्रेंड। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मेरे पास काफी लोगों का क्वेश्चन आता है, काफी लोगों का कमेंट आता है कि सर नया चैनल तो बनाती है लेकिन वो सर्च रैंकिंग में नहीं आ रहा, क्या करें, हमारे वीडियोस नहीं रैंक करे तो क्या करें। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि YouTube ट्यूटोरियल सीरीज का आज छठा वीडियो है, जहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने चैनल को रैंक करा सकते हो, तो इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला फ्रेंड। तो अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हो तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं, मैं हूँ हेमंत और आप देख रहे हो हेमंत फॉर यू। तो फ्रेंड इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स नीचे देख सकते हो एक लाल कलर का बटन दिख रहा है, वो आप लोग सिंपली दबा लें, ताकि इसी तरीके की वीडियो जब भी मैं फ्यूचर में लेके आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग उस वीडियो को देख सको। तो चले फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप लोग अपने चैनल को सर्च रैंकिंग में ला सकते हो। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को 5 टिप्स देने वाला हूँ जो आप लोगों को फॉलो करना, अगर आप लोग ये 5 टिप्स को फॉलो करते हो तो आप लोगों का चैनल डेफिनेटली सी बात है कि सर्च रैंकिंग में आ जाएगा। आप लोग ये 5 पॉइंट को नोट डाउन भी कर सकते हो जो आप लोगों के काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चले फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं, अगर मैं सबसे पहले पॉइंट की बात करूं तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा सबसे पहले नंबर वाला यूनिक चैनल नेम। यहाँ पे मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे आप लोगों को चैनल नेम रखना चाहिए। अगर आप लोग वो गलती कर देते हो तो काफी ज्यादा चांसेस हो जाता है कि आप लोगों का चैनल सर्च रैंकिंग में ना आए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसका आप लोगों को ध्यान रखना है जब भी आप लोग चैनल नेम रखने जा रहे हो, तो आप लोगों को ट्राई करना है कि आप लोगों का जो भी चैनल नेम है वो बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। अगर आप लोग रख देते हो टेक्निकल से रिलेटिव कुछ भी नेम तो आप लोगों का काफी ज्यादा चांसेस रहेगा कि आप लोगों का जो भी चैनल है वो सर्च रैंकिंग में ना आए। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब भी चैनल नेम रखने जा रहे हो वो बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, ताकि आप लोगों का जो भी चैनल नेम है वो पहली बार में ही सर्च रैंकिंग में आ जाए। तो आप लोगों को थोड़ा टाइम भी इन्वेस्ट करना होगा, रिसर्च करना होगा यूनिक नेम रखने में, टाइम थोड़ा ज्यादा स्पेंड करोगे तो काफी अच्छे से यूनिक नेम रख पाओगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहिए सबसे पहले नंबर का टिप्स, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कैसे आप लोगों को अपने चैनल को सर्च रैंकिंग में लेके आना है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो भी आप लोगों का चैनल नेम है वो बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। तो अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं फ्रेंड तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दूसरे नंबर में आता है वीडियो टैग। अब आप लोगों में से काफी लोगों को इसके बारे में पता होगा, काफी लोगों को नहीं पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं डाउट क्लियर कर दूं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब भी आप लोग वीडियो अपलोड करने जा रहे हो तो वहां पे आप लोगों को वीडियो टैग में अपने चैनल का नाम जरूर डालना है, ताकि आप लोगों के चैनल के साथ साथ आप लोगों का वीडियो भी सर्च रैंकिंग में आ जाए। तो अगर आप एक नए क्रिएटर तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी, आप लोग इसको डिफॉल्ट में भी सेट करके रख सकते हो कि जब भी आप लोग वीडियो अपलोड करो तो ऑटोमेटिकली वहां पे टल जाए। तो फिर ये दूसरे नंबर का पॉइंट था जो आप लोगों को ध्यान में रखना अगर आप लोग अपने चैनल को सर्च रैंकिंग में लेके आना चाहते हो। तो अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं फ्रेंड तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि तीसरे नंबर में था चैनल टैग। अब आप लोगों में से काफी लोगों को इसके बारे में पता होगा कि चैनल टैग क्या होता है, काफी लोगों को नहीं पता होगा। जो लोग मेरे लास्ट का वीडियो देखेंगे उन लोगों को पता होगा कि चैनल टैग कैसे लगाते हैं, वहां पे मैंने आप लोगों को बिल्कुल डिटेल से बताया कि चैनल टैग आप लोग कैसे लगा सकते हो। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर आप लोग देख लेना, सिंपली यहाँ पे मैं आई बटन में भी लिंक डाल दूंगा, यहाँ से जाके आप लोग देख लेना, वहां पे मैंने आप लोगों को बिल्कुल डिटेल से बताया कि कैसे आप लोग अपने चैनल टैग को लगा सकते हो, क्योंकि वो काफी ज्यादा मैटर करता है आप लोगों के चैनल को बिल्कुल रैंक कराने के लिए। तो सिंपली आप लोगों को चैनल टैग लगा लेना है, लेकिन कैसे लगाना है तो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक से बता देता हूँ, एडवांस लेवल में आप लोग वहां से देख लेना कि सिंपली आप लोगों का जो भी चैनल नेम है, जैसे मेरा हेमंत फॉर यू, तो मैं 2-3 तरीके से हेमंत फॉर यू अपने चैनल टैग में लगा दूंगा। कोई भी सर्च करता है हेमंत तो हेमंत फॉर यू आ जाना चाहिए, कोई 4 लिख देता है 4 लिख देता है तो हेमंत फॉर यू आना चाहिए, कोई वाई और लिख देता है तो भी हेमंत फॉर यू आना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को 2-3 तरीके से लगाना है ताकि आप लोगों का जो भी चैनल है वो सर्च रैंकिंग में आ जाए। तो फ्रेंड ये तीसरे नंबर का पॉइंट था जो आप लोगों को ध्यान में रखना है अगर आप लोग अपने चैनल को सर्च रैंकिंग में लेके आना चाहते हो। तो फ्रेंड अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं फ्रेंड तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा
चौथे नंबर में आता है कि कम से कम आप लोगों के चैनल में 5 से 6 वीडियो होना चाहिए। अब आप लोगों में से काफी लोग ऐसे बोलेंगे यार 2 वीडियो का अपलोड कर दिया लेकिन मेरा चैनल सर्च रैंकिंग में नहीं आ रहा। तो भाई मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा थोड़ा सा पेशेंस आप लोगों को रखना पड़ेगा। कम से कम 5 से 6 वीडियो आप लोग 1 वीक में डाल दो, उसके बाद आप लोगों को मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ वो सारी चीजें फॉलो करो। डेफिनेटली सी बात है आप लोगों का जो भी चैनल है वो सर्च रैंकिंग में आ जाएगा। अब आप लोग ऐसा गलती मत करना कि एक दिन में 5 वीडियो डाल देता हूँ सर्च रैंकिंग में आ जाए। भाई इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस होता है क्योंकि यूट्यूब भी आप लोगों को पता है कितने सारे लोग वीडियो डालते हैं। तो आप लोग 1 वीक में 5 से 6 वीडियो डालना, उसके बाद अगर नहीं आता तो नीचे कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों के चैनल को चेक करूंगा और बताऊंगा कि कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। तो फ्रेंड ये चौथे नंबर का पॉइंट था जो आप लोगों को ध्यान में रखना है अगर आप लोग अपने चैनल को सर्च रैंकिंग में लेके आना चाहते हो। तो फ्रेंड अगर मैं पांचवें और लास्ट पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, पांचवें नंबर में आता हैशटैग एंड चैनल नेम वीडियो टैग्स में, वो भी 4-5 तरीके से। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को डाउट क्लियर कर दूं कि क्या करना है आप लोगों को। सिंपली आप लोगों को जो भी डिस्क्रिप्शन है वहां पे आप लोगों को अपने चैनल का हैशटैग लगाना है। जैसे मेरा चैनल है हेमंत फॉर यू, तो मैं वहां पे क्या लगाऊंगा, हेमंत फॉर यू का हैशटैग, ताकि उससे रिलेटिव सर्चेज भी आ जाए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप एक नए क्रिएटर या नया चैनल स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में हैशटैग के साथ अपने चैनल का नाम लगाना है। उसके साथ ही साथ आप लोगों को वीडियो टैग में चैनल का नाम 2-3 तरीके से लगाना है, जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। तो फ्रेंड अगर आप लोग ये 5 पॉइंट को तरीके से फॉलो करते हो तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप लोगों का जो भी चैनल वो सर्च रैंकिंग में आ जाएगा। ये 5 पॉइंट है जो आप लोगों को फॉलो करना है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यूट्यूब ट्यूटोरियल सीरीज का सीरीज रेगुलर चलने वाली 30 वीडियो का सीरीज मैंने आप लोगों के लिए सोच रखा है। इस सीरीज में रेगुलर बने रहे क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को काफी कुछ एडवांस लेवल पे भी सिखाने वाला हूँ। तो इस सीरीज पे रेगुलर बने रहे फ्रेंड। तो फ्रेंड ये थोड़ी सी बात थी जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया था ताकि आप लोग इस तरीके की बातों से अपडेट होगा। तो फ्रेंड अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इस वीडियो से आप लोगों ने क्या कुछ नया सीखा, फ्यूचर में आप लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करोगे कि नहीं। जैसा भी आप लोगों का फीडबैक रहा फ्रेंड नीचे कमेंट करके जरूर बताना ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। तो फ्रेंड ये थोड़ी सी बात थी जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया था ताकि आप लोग इस तरीके की बातों से अपडेट रह सको। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक अपने आसपास सफाई रखें, अपने छोटे बड़ों का ध्यान रखें। जय हिंद जय भारत रह सको।